हेलो गाइस, सो हम लोग मिल रहे हैं अपनी सुपर 30 सीरीज के अंदर। और आज हमारा टारगेट है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 2 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो जिसने पार्ट 2 नहीं देखा हो पहले पार्ट 2 देखो, उसके बाद पार्ट 3 अपना स्टार्ट करना। अच्छा, एक चीज और, ये पूरी एक यूनिट है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो हमने जो पार्ट 1 एंड 2, दैट इज 20 क्वेश्चन हमने करे, वो थर्मोडायनेमिक्स से करें, और इस पार्ट में जो 10 क्वेश्चन करेंगे वो थर्मोकेमिस्ट्री से करेंगे। ठीक है, तो पूरी एक यूनिट है, मैंने एक साथ आपको एक्सप्लेन कर दी है। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, 1 मोल ऑफ मिथेनॉल व्हेन बर्न्ड इन O2 गिव्स आउट 723 किलो जूल्स पर मोल हीट। इफ 1 मोल ऑफ O2 इज यूज, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट। ओके, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है पार्ट का या थर्मोकेमिस्ट्री का। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, तो जरा ध्यान से देखो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो कॉन्सेप्ट के लिए एक रिएक्शन लेता हूँ मैं, तो रिएक्शन मैं ले रहा हूँ सिंपल, जो आपने बहुत बार सुनी है, हेबर्स प्रोसेस की, अमोनिया बनाने की रिएक्शन। तो क्या रिएक्शन होती है, N2+3H2 टू गिव 2NH3। ठीक है, रिएक्शन सबको पता है, इक्विलिब्रियम के अंदर भी हमने इस रिएक्शन के बारे में काफी बात करी हुई है। तो सपोज ये रिएक्शन हमारे पास है, इसमें कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, सपोज 50 जूल्स की एनर्जी निकल रही है, 50 किलो जूल्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, तो एग्जांपल में तो मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, है ना। तो सपोज मेरे पास ये रिएक्शन है, इसमें कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, 50 किलो जूल्स माइनस, अंडरस्टूड अगर लिबरेट बोल दिया तो मतलब माइनस आएगा ही आएगा क्योंकि निकल रही है। ठीक है, तो -50 बोला, 50 बोलो बात एक ही है, अगर लिबरेट बोला है तब 50 भी बोल सकते हो वरना -50 बोल दो। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको जो है, इस एनर्जी को हम किसी भी मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो इसका कितना है, 1 मोल नाइट्रोजन जब यूज हुआ तब कितनी एनर्जी निकली, 50 किलो जूल एनर्जी निकली, ये भी बोला जा सकता है। इसको इसके टर्म में बोला जा सकता है कि 3 मोल हाइड्रोजन जब यूज हुआ तब भी 50 किलो जूल एनर्जी निकली, और साथ ही साथ इसको अमोनिया के टर्म में भी बोला जा सकता है कि 2 मोल जब अमोनिया बना तब 50 किलो जूल एनर्जी लिबरेट हुई। आई बात समझ, मतलब तुम इस 50 को किसी भी मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बोल सकते हो। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना आपने, जो रिएक्शन होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर तुम बैलेंस रिएक्शन में नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट है रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन बैलेंस ही है हमारी। ठीक है, तो इस एनर्जी को किसी भी मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बोला जा सकता है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि अमोनिया के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, तो यहाँ से देखो क्या है कि 2 मोल अमोनिया जब फॉर्म हो रहा है तो कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, 50 किलो जूल एनर्जी लिबरेट हो रही है, ये कहता है इसका मतलब। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ कि भाई बताओ जब 1 मोल अमोनिया बनेगा तब कितनी होगी, तो डायरेक्टली यूनिटरी मेंट लगा सकते हो कि भाई 2 से अगर 50 निकल रही है तो 1 से कितनी निकल रही होगी, डेफिनेटली 25 किलो जूल एनर्जी लिबरेट हो रही होगी, तो आंसर आ जाएगा -25। आई बात समझ में, तो इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो इसको किसी भी टर्म्स में भी हम बात कर सकते हैं और इसी तरीके से कहानी चलेगी। ओके, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, हम लोगों ने समझ लिया क्या कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन कहते हैं 1 मोल ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल लिया, मिथेनॉल इज CH3OH, और इसका कितना मोल लिया है, 1 मोल, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें पता है कंबशन रिएक्शन हो रही है, और इसकी ट्रिक मैंने तुम्हें बताई थी फर्स्ट पार्ट के अंदर। किसी भी कंपाउंड को कंबशन करते हैं तो डेफिनेटली हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है, और कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जितने कार्बन होते हैं, तो कितने कार्बन है कंपाउंड में, 1, तो 1 ही मोल मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कितना मोल वाटर मिलता है कंपाउंड में, जितने होते हैं हाइड्रोजन उसका आधा, तो कितना हाइड्रोजन है, 4, 3+1, 4, तो कितना वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, आधा मतलब कितना, 1, 2। ठीक है, तो ये और ये बैलेंस होता है, केवल बैलेंस हमें ऑक्सीजन करना होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने ट्रिक सिखा रखी है आप लोगों को, तो ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 2+2, 4 हो गया, यहाँ पर कितना है, 1 और यहाँ पर 2 है, तो इसको क्या कर दूंगा, 3/2 कर दूंगा, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3+1, 4 बैलेंस हो गया। तो ये मेरी होगी बैलेंस रिएक्शन। अब मैं जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा था वो मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए क्या बोल रहा है, कितनी एनर्जी गिव्स आउट, कितनी एनर्जी निकल रही है, -723 किलो जूल पर मोल। इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, कितनी निकल रही है, -723 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल रही है। ठीक है, निकल रही है मतलब माइनस, समझ लो ना, यहाँ माइनस नहीं लिखा है उन्होंने, पर गिव्स आउट मतलब निकल रही है, तो हम अंडरस्टूड है कि माइनस होगा ही होगा। ठीक है, ओके, अब बताना आपको क्या, इफ 1 मोल ऑफ O2 इज यूज तब कितनी एनर्जी लिबरेट होगी। तो देखो ये कितने के लिए है, ये कितने के लिए, तो बैलेंस रिएक्शन है, O2 क्या क्या लिखा है, 3/2, मतलब ये जो एनर्जी है कितने मोल के लिए, 3/2 मोल O2 के लिए, यही तो सीखा था हमने कि 3/2 O2 के लिए कितनी एनर्जी निकल रही है, 3 निकल रही है, बैलेंस रिएक्शन के अंदर बोला है। तुमसे बोला है कितने के लिए, 1 मोल O2 के लिए कितनी निकलेगी,
वन मोल के लिए कितनी निकलेगी, ये तो पूछ रहे क्वेश्चन के अंदर। तो क्या बोल दोगे, डायरेक्टली कर सकते हो 723 इंटू 2/3 ये कर सकते हो, या फिर तुम्हें मैंने एक चीज और सिखा रखी है कि अगर 3/2 मोल के लिए कितनी निकल रही है, 723 निकल रही है, तो एक के लिए कितनी निकलेगी, एक्स मान लो। और तुम जानते हो जो रेशो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, तो रेशो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर डायरेक्ट जो पहले मैंने करा यूनिटरी पैनल लगा दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 723 इंटू ये नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना जाएगा 2/3, मतलब वही लॉजिक है। या तो डायरेक्टली यूनिटरी मेथड लगाओ कि 3/2 के लिए इतनी है तो 1 के लिए बता दो, सबको पता है यूनिटरी मेथड, वरना रेशियो करो, रेशियो हमेशा क्या होता है सेम रहता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल आता है हमारा, कितना आएगा 241 और 284, तो आगे आपका -482 किलो जूल, तो आपका आगे कितनी एनर्जी -482। तो देखो ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, ओके तो एक चीज देखो यहाँ पर ऑप्शन आपको 482 का दिख रहा है और हमारा आया -482, तो घबराना मत, तो डायरेक्टली और कोई ऑप्शन दिख तो नहीं रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे 482 किलो जूल्स करेंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है कि उतनी एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। अच्छा इन केस अगर ऑप्शन 482 के साथ साथ एक ऑप्शन ये भी होता, -482 भी होता, तब हम क्या आंसर टिक करते, तब हम -482 चूज करते, आगे बात समझ में, अभी नहीं है तो अच्छी बात है, अगर बाय द वे माइनस भी गिवन होता तब हम माइनस वाला चूज करते, क्योंकि एनर्जी लिबरेट हो रही है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन 0.5 ग्राम सल्फर इज बर्न टू SO2, तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले, तो सल्फर की ऑक्सीजन के साथ सबसे सिंपल रिएक्शन है, पता ही सभी को, S+O2 की SO2, 4.6 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, इस रिएक्शन के अंदर ये हीट नहीं लिबरेट हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो देखो 1 मोल मिथेनॉल हो रहा था, हमने देखा था वहां 1 मोल था, पर यहाँ पर इन्होंने बोला है कब हीट लिबरेट हो रही है, जब 0.5 ग्राम सल्फर बर्न हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अभी सल्फर कितना मोल है, 1 मोल, तो ये जो हीट निकल रही है 4.6 इस रिएक्शन के लिए नहीं है, पहली बात समझे, अगर बोलता कि 1 मोल सल्फर रिएक्ट कर रहा है तब इतनी हीट निकल रही है, तब वो इस रिएक्शन की होती, इसके रेस्पेक्ट में बोलता है, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में बोलता तब इसी की होती, पर अभी इसने साफ साफ 0.5 के लिए बोल दिया, ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको बतानी व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, तो SO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है, और एक चीज और ध्यान रखो उसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं, वैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब भी किसी का बताते हैं कितने का बताते हैं, 1 मोल का बताते हैं, ठीक है, अभी मैं बात करूंगा उसके ऊपर, पर फिलहाल के लिए ध्यान रखो हमेशा कितने के लिए बताते हैं, 1 मोल के लिए, मतलब तुमसे बोला है कि 1 मोल SO2 जब बनेगा तब कितनी हीट लिबरेट होगी, ये तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो कितना है, 1 मोल है, यहाँ 1 मोल है और इसके आगे भी कितना है, 1 मोल, तो इसका वेट पता है तुम्हें, इसका वेट पता होता है सल्फर का कितना होता है 32, और इसका कितना होता है 32 + 32 = 64, मतलब तुम ऐसा रिलेशन बना सकते हो कि 32 ग्राम, क्योंकि हमें एट लास्ट किसकी स्टोरी पता करनी है, मुझे SO2 की स्टोरी पता करनी है, तो मुझे SO2 के पे फोकस रखना है पूरा, तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे SO2 की निकालनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन किसकी गिवन है, सल्फर की गिवन है, समझ रहे हो, ओके, तो 1 मोल मतलब 32 ग्राम, मॉलिकुलर 1 मोल का वेट उसके मॉलिकुलर वेट के बराबर होता है, सबको पता है, इसका 64 ग्राम, मतलब अगर 32 ग्राम सल्फर रिएक्ट कर रहा है तो कितना ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है, 64 ग्राम, क्वेश्चन के अंदर कितना ग्राम बोला है सल्फर, 0.5 ग्राम अगर रिएक्ट करेगा तो कितना मिलेगा, तो देखो 32 का डबल हो रहा है 64, तो डेफिनेटली 0.5 का क्या मिलेगा, 1 ग्राम मिलेगा, वरना एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो भी तुम्हें सिखा रखा है, इसको एक्स मानो, डिवाइड करो, रेशियो लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तभी भी वही आंसर आएगा, सॉरी, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको, तो 32 ग्राम से अगर 64 ग्राम मिल रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 0.5 ग्राम रिएक्ट करेगा सल्फर तो सल्फर डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, 1 ग्राम, क्योंकि देखो डबल मिल रहा है, तो सिंपल हमने लॉजिक लगा दिया। अब जरा मुझे बताओ जो एनर्जी निकल रही है कितनी, 4.6, तो मतलब इस पूरे फिनोमिना के अक्रॉस कितनी एनर्जी निकल रही है, 4.6 किलो जूल एनर्जी लिबरेटेड, मतलब माइनस 4.6 किलो जूल एनर्जी निकल रही है, आगे बात समझ में, तो अब तुम कह सकते हो तुम 0.5 ग्राम रिएक्ट हुआ तब भी इतनी निकली, या 1 ग्राम हुआ सल्फर डाइऑक्साइड बना तभी भी -4.6 एनर्जी किलो जूल एनर्जी निकली है, ठीक है, तुम इसके अक्रॉस कह सकते हो, इतनी बात समझ आ गई। अब तुमसे बोल रहा है बताओ जब 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा तब कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, तो भाई 1 ग्राम के अक्रॉस अगर इतनी लिबरेट हो रही है तो 1 मोल के अक्रॉस, तो 1 मोल मतलब कितना ग्राम, 1 मोल का मतलब क्या होता है 64 ग्राम, क्योंकि अगर ये 1 ग्राम है तो नीचे भी क्या चाहिए, 1 ग्राम नहीं चाहिए होगा, मोल में तो नहीं कर पाओगे,
1 ग्राम के क्रॉस अगर 4.6 किलो जूल एनर्जी निकल रही है तो एक मोल का मतलब कितना ग्राम होता है? 64 ग्राम। एक मोल भी यही होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल अगर 1 हो जाए तो वेट किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32 + 32 = 64। तो अगर 1 ग्राम के क्रॉस 4.6 एनर्जी लिमिटेड हो रही है तो 64 के क्रॉस कितनी होगी निकाल सकते हो? एक्स मान लो और इन दोनों का रेशो क्या होगा? सेम होगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई बात समझ? 64 यहाँ जाएगा इंटू 4.6 और एक इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। आगे बात समझ, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? पॉइंट हटेगा, 10 हो गया। तो 2 5 जा 2 2 जा 2 3 जा और आपका बच गया कितना हो जाएगा? या चलो इसको एज इट इज रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। 64 इंटू कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए माइनस 4.6। तो पॉइंट हट गया, 10 आ गया। तो कितना आ गया? 46 इंटू 64 डिवाइड बाई 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर दिया, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 46 इंटू 64 18 होगा 6 3 24 27। तो कितना आ गया? 8 14 1 7 9 2 9 4 4 डिवाइड बाई 10 हो गया। तो पॉइंट लग जाएगा, कितना जाएगा? 294.4। और देखो माइनस का है तो माइनस का 294.4। तो दिख रहा है ऐसा? यस। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, डेट इज माइनस 294.4। आगे बात समझ में? और इस बार देखो ऑप्शन प्लस में भी था जो मैं ऊपर बोल रहा था, तो डेफिनेटली इस बार हम चूज क्या करेंगे? माइनस वाला करेंगे, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड हो गई है। क्लियर? ओके, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 क्वेश्चन बोल रहा है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। दो टाइप की एंथैल्पी होती है हमारे पास, एक होती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एक होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, पहले दोनों को समझो जरा ध्यान से। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एक आपकी होती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से समझ लो। अगर ये समझ लिया तुमने, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि पूरा लॉजिक यहीं से यहीं पर बेस्ड है। आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। रिएक्शन लिखनी जब तक नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा वो। ठीक है, तो रिएक्शन लिखनी सीखो। रिएक्शन के लिए क्या है इसकी डेफिनेशन? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? 1 मोल एनर्जी लिमिटेड या चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स ओन कंपोनेंट। ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूँ। चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स ओन कंपोनेंट। ठीक है, इस कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब कोई भी एक मोल कंपाउंड, ये फिक्स है, सपोज तुम्हें मीथेन बनानी है, मीथेन के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखनी है, सबसे पहले रिएक्शन लिखना सीखो। सबसे पहली बात, ये एक होना चाहिए, इसके आगे तुम 2 3 4 नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड है। एक मोल कंपाउंड बनेगा किससे? खुद के कंपोनेंट से। मीथेन बनाने का बहुत सारा रास्ता है, पर हम किसी इधर उधर वाले रास्ते का यूज नहीं करेंगे, हम केवल इसके खुद के कंपोनेंट यूज करेंगे। इसके खुद के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो लिखोगे कार्बन किस फॉर्म में किस करते हैं? सी फॉर्म में। एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस फॉर्म में किस करते हैं? एच टू फॉर्म में। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब करेंगे इसको बैलेंस। और ध्यान में एक चीज और रखेंगे कि यहां पर 2 3 4 कुछ नहीं करना है, इट शुड बी 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स ओन कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट कार्बन हो गया, बैलेंस करेंगे तो कार्बन एक दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको 2 करेंगे। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ये आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की रिएक्शन हो गई। आई बात समझ में? एक और रिएक्शन लिखते हैं। सपोज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसकी लिखनी है? वाटर की लिखनी है। तो हमने H2 लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले, और यहाँ पर एक मोल रहने दिया। क्या ये कंपोनेंट है? कंपोनेंट लिखे यहाँ पर कौन कौन से हैं? देखो, हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2। तो दोनों कंपोनेंट लिख दिए। अब देखो, बैलेंस करने के लिए O2 को यहाँ 2 नहीं लिखना है, क्योंकि ये फिक्स है कि यहाँ क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? 1/2 करना पड़ेगा। तो दिस रिएक्शन इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आपको ये समझ आनी चाहिए कि रिएक्शन लिखनी कैसे है। तो सिंपल है, एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स ओन कंपोनेंट। खुद के कंपोनेंट से हमें बनानी है। क्लियर?
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? तो चेंज इन एंथैल्पी लिख देता हूँ, चलो डेफिनेशन पहले। चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक मोल कंपाउंड को जलाएंगे तब जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यहां भी फिक्स है, जैसे सपोज मीथेन की लिखनी है आपको, यहां पर इसको एक मोल रखना है, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो O2, और तुम जानते हो कंबशन रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होते हैं, बता रखे मैंने CO2 एंड H2S, ये होती है। अब जब भी बैलेंस करना है ध्यान रखना है यहां पर ये फिक्स होना चाहिए, इट शुड बी वन। जैसे यहां पर ये वाले वन थे वैसे यहां पर ये वाला वन होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो कार्बन कितना मिलेगा एक मोल, हाइड्रोजन कितना मिलेगा जितना, सॉरी पानी कितना मिलेगा, वाटर कितना मिलेगा जितना हाइड्रोजन है उसका आधा, तो 2 हो जाएगा। ये और ये तो बैलेंस है आपका, ऑक्सीजन बचता है तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 × 2 = 4 और ये होगा 2। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी दिस इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर मीथेन, क्लियर। किसी के भी लिख सकते हो, तो इसी तरीके का यूज करके सपोज आपको इथेन की लिखनी है या फिर इथेनॉल की लिखते हैं, तो इथेनॉल क्या होता है C2H5OH होता है, ये होता है आपका इथेनॉल। मिथेनॉल CH3OH होता है, इथेनॉल क्या होता है C2H5OH, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इक्वल है तो इट शुड बी वन, ठीक है। एक मोल क्या डालते हैं, O2 डालते हैं, बता रहे हैं क्या निकलता है CO2 और H2 निकलता है, बैलेंस करना भी सिखा रखा है। जिसका कंबशन करा है उसमें जितना कार्बन उतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 कार्बन है 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। जितना हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर, तो कितना हाइड्रोजन है कंपाउंड के अंदर 6, तो कितना वाटर मिलेगा 6 का आधा क्या होता है 3 मोल आपका H2 मिलेगा। तो ये और ये बैलेंस होता है, बचता ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देख लेंगे तो कितना हो गया 4 + 3 कितना हो गया 7, और यहाँ ऑलरेडी 2 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 3 × 6 + 1 = 7, तो ये बैलेंस हो गया। एंड दिस इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर इथेनॉल, आई बात समझ में। तो सबसे पहली बात तो रिएक्शन लिखना आना चाहिए आपको, रिएक्शन लिखना जब जानोगे तब ये क्वेश्चन बहुत चुटकियों में होने लग जाएंगे, ठीक है। तब आई होप सभी को यहाँ से रिएक्शन लिखना आ गया होगा, आप लोग अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्लूकोज की लिखो फॉर्मेशन, ग्लूकोज की लिखो कंबशन, अपने आप 1-2-3 रिएक्शन लिखो, प्रैक्टिस करो, समझ आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ स्टेट भी लिख लो तो अच्छा है, जैसे पता है कौन कौन सी स्टेट में होता है, तो ये सब आपको पता होता है ये किस स्टेट में होता है, गैस होता है, कार्बन की स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में या फिर ग्रेफाइट स्टेट में, इसके लिए GR लिखा जाता है, मतलब ग्रेफाइट, इसके लिए क्या लिखा जाता है G मतलब गैस, ये गैस। पानी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड। वाटर होता है, ये वैसे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में होता है, पर जनरली जो स्टेट में पाया जाता है हम यहाँ पर वही स्टेट लिखते हैं। H2 जनरली कौन सी स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड, इसको बोला जाता है मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है, जिस स्टेट में वो पाए जाते हैं। ये दोनों किस में हो गया गैस में, ये भी किस में हो गया गैस में, तो अपने आप तुम स्टेट वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वही स्टेट लिखने हैं जिसमें वो जनरली पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि पानी तो तीनों स्टेट में पाया जाता है सर, सॉलिड लिक्विड गैस क्या लिखेंगे, तो क्या मिलता है पानी बोलते साथ हमारे दिमाग में क्या बात आती है, लिक्विड दिमाग में बात आती है तो लिक्विड लिख देंगे, क्लियर। ओके, तो सबसे पहली बात है ये रिएक्शन लिखना चाह रहा हूँ, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा रिएक्शन लिखना। अगर रिएक्शन लिखना आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत चुटकियों में होंगे, ठीक है। देखो कैसे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C6H6 बेंजीन कार्बन एंड H2R, दिस एंड दिस, तीनों का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है आपको। बोला है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात रिएक्शन लिखो, तो रिएक्शन लिखते हैं जो गिवन है। पहली गिवन क्या है, C6H6 का कंबशन, C6H6 के कंबशन लिखना मैंने सिखाया था क्या, प्लस O2 लिखेंगे, इट शुड बी वन मोल, पीछे सिखा रहे थोड़ी देर में। पहले कितना मिलेगा CO2 एंड H2 मिलेगा, कितना मोल मिलेगा 6 मोल, और ये कितना मोल मिलेगा 3, कितना हो गया 6 12 15 हो गया, और यहां पर कितना है केवल O2 है, तो O2 को यहां पर देखो कितना हो गया 3 + 12, तो 15 ऑप्शन हो गया राइट साइड, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा 15/2 करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई,
इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, इसके आगे इसकी वैल्यू देते हैं कितनी दे रखी है इसकी, -3270 दे रखी है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट लिखो किसकी एंथैल्पी दे रखी है, कार्बन की, तो कार्बन की कंबशन क्या होता है, डायरेक्टली C+O2 टू गिव CO2 हो गया तो बैलेंस है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, -394 दे रखी है। और थर्ड दे रखी है आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2, तो H2 में O2 डालोगे तो क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। बैलेंस करते हैं तो देखो बैलेंस करने के लिए H2 बैलेंस है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसका कंबशन करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा तुम बोलोगे सर यहाँ H2O भी नहीं मिला क्योंकि भाई यहाँ कंपाउंड में हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ CO2 भी नहीं मिला क्योंकि कंपाउंड में कार्बन ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा CO2, इतना तो समझते होंगे आप लोग, हो जाएगा 1/2। इसकी वैल्यू देखिए आपको -286, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शन गिवन है, तो तीन रिएक्शन गिवन नहीं थी, केवल आपको इतना बोला था एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो उससे यूज करके हमने रिएक्शन लिख ली, वो लिखना मैंने सिखाया था। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन को हम डेल्टा HC से डिनोट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसका, एंथैल्पी ऑफ कंबशन को किसे डिनोट करते हैं, डेल्टा HC से, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा HF से डिनोट करते हैं, ठीक है, अभी लिखता हूँ। तो आपसे पूछा रहा है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6, तो जो निकालनी है वो रिएक्शन भी लिखते हैं, C6H6 का निकालना है, यह है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो ये कितना होगा, 1 मोल होगा। कैसे लिखते हैं, खुद के कंपोनेंट से, खुद के कंपोनेंट क्या होगा इसके, कार्बन प्लस हाइड्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 6 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आपको निकालना है, जो निकालना है उसको अलग से बंद कर दिया ताकि बार बार दिखे, इसके लिए क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हम डेल्टा HF यूज करते हैं, ठीक है। तो पहली बार समझ आ गई, तो रिएक्शन लिख दी हमने सारी की सारी, पहली बार करोगे तो लंबा लगेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो घबराना मत कि सर बहुत टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में, वो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, ठीक है। मैं समझाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से डिटेल में, इसलिए थोड़ा टाइम जाता है, आप लोग को एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब इन तीन रिएक्शन का यूज करके हमें ये वाली रिएक्शन निकालनी है, कैसे करेंगे तो चेक करते हैं। देखो C6H6 यहाँ राइट साइड है, इन तीन रिएक्शन में C6H6 कहाँ दिख रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन में दिख रहे हैं, पर कहाँ दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड दिख रहे हैं, है ना, और जो मुझे चाहिए उसमें कहाँ दिख रहा है, राइट साइड दिख रहा है, तो डेफिनेटली इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब हमें इन तीन रिएक्शन का यूज करके ये रिएक्शन लेके आनी है, सिंपल। तो इसको रिवर्स करो, इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, इधर क्या हो गया, C6H6+15/2O2। रिवर्स करेंगे तो देखो -3870 ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू +1+3270 हो गई, आगे बात समझ में, क्योंकि रिवर्स कर दिया, अगर माइनस था तो उल्टी कर दिया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गई वैल्यू, ठीक है। ओके नाउ कार्बन देखो कौन से रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में कितना मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, और जो हमें रिएक्शन चाहिए है उसके अंदर कितना मोल है, 6 मोल है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो ये रिएक्शन आएगी ना, जो हमें चाहिए थी यहाँ से निकाल दिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हमें चाहिए था, तो पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन मैंने यहाँ लिखा, फिर हम चेक कर रहे हैं तीनों का यूज करके वाले रिएक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 मोल था जो चाहिए उसमें कितना है, 6 मोल, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 6C+6O2 गिव्स 6CO2, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -394 को, तो माइनस भाई पूरी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एनर्जी है उसको भी तो करेंगे, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 4 54 56 5, और ये हो जाएगा 18 23, तो कितना हो जाएगा, -2364 हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। नाउ नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखो इस रिएक्शन में दिख रहा है, कितना मोल दिख रहा है, 1 मोल दिख रहा है, पर रिएक्शन जो हमें चाहिए उसमें कितना मोल है, 3 मोल, तो इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई बात समझ में, इस रिएक्शन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3H2 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3/2O2 आएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3H2 आएगा, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओवरऑल वैल्यू भी 3 ही हो जाएगी, 18 1 4 5 2 3 6 7 8 -3 से मल्टीप्लाई करना 18 1 5 2 3 6 7 8, ठीक है, तो -858 हो गई, इतनी बात समझ आ गई। बस अब क्या करो, इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों रिएक्शन को जैसे हमने ऐड करेंगे क्या होगा, तो देखो आप ध्यान से, 3H2O लेफ्ट साइड है,
3H2 राइट साइड है कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखो 6CO2 लेफ्ट साइड है, 6CO2 राइट साइड है कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखो और क्या दिख रहा है, 3/2O2 प्लस 6/2O2, तो इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे 6×12 प्लस 3 15/2O, 15/2O2 से 15/2O2 कैंसिल आउट हो गया। तो बचे हुए चीजों को लिख लो, बच क्या क्या गया, 6C बच गया, इससे क्या बच गया 3H2 बच गया, और यहाँ क्या बच गया C6H6 बच गया। तो जरा देखो क्या होगा, यही रिएक्शन जो थी हमें लानी थी, जरा देखो इन दोनों को सेम रिएक्शन आ गई ना, तो इन कैसे है ये रिएक्शन, तो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, तो इनकी एंथैल्पीज को ऐड कर दो। तो डेल्टा एच क्या है हमारा, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3270 माइनस 2364 माइनस 858, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं भी यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ रफ में ताकि मेरा आंसर आ जाए, आप लोग भी सॉल्व करो, 3270 माइनस 2364 माइनस 858, तो आपका आंसर आ जाएगा 48, तो आपका आंसर आ जाएगा 48 प्लस का, ठीक है। वैसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो यस, तो देखो 48, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है, बस मैंने समझाया इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, वरना एक बार आप प्रैक्टिस करो तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीन का ऐड करके इक्वेशन आई है, तो हमने डायरेक्टली इन तीनों को ऐड कर दिया जो कि हमारी एंथैल्पीज की वैल्यू थी, क्लियर, ओके। तो ये क्वेश्चन समझ लिया, एक बार वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो, है ना, और करने के बाद फिर वीडियो रिज्यूम करके आगे देखो, क्योंकि 24 एंड 25 भी क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, ओके। तो आप लोग ट्राई करो वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर वीडियो रिज्यूम करके चेक करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी तीनों की तरीके, CH4CNH2 की, ठीक है। तो रिएक्शन लिखते हैं, तो CH4 का कंबशन लिखोगे क्या आएगा, CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। बैलेंस कर दोगे कितना जाएगा 2, इसकी वैल्यू रखी आपको कितनी 20, आगे लिखी 20 किलो कैलोरीज, ठीक है। सेकेंड दे रखिए कार्बन की, तो C प्लस O2 टू गिव CO2, कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी -40, और लास्ट दे रखिए हाइड्रोजन की H2 की, यही होती है कंबशन की रिएक्शन, और इसकी दे रखी है -10, ठीक है। मेन चीज है रिएक्शन लिखना, तो रिएक्शन लिखना आ गया तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा। आपको बताना है व्हाट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखो CH4 का, तो फॉर्मेशन है तो राइट साइड आएगा, और इट शुड बी 1 मोल, किससे बनता है, खुद के कंपोनेंट से, C+H2, और ये क्या हो जाएगा 2H2, ठीक है। तो इसी का आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दैट इज डेल्टा HF निकालना है, तो इसको हमने डब्बे में बंद कर दिया ताकि हमें दूर से दिखाई दे बार बार ये, ओके। तो अब यूज करो इन तीन इक्वेशन का यूज करके, ये वाली इक्वेशन निकालनी है। तो देखो पहला CH4 लेफ्ट साइड है, इसमें क्या है राइट साइड, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यस रिवर्स, रिवर्स हमें रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा CO2 प्लस 2H2 गिव CH4 प्लस 2O2, रिवर्स कर दोगे 20 भी क्या हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा, 20 था रिवर्स कर दिया -20 हो गया। सेकंड कार्बन, तो देखो कार्बन यहां पर भी 1 मोल था और यहां पर भी क्या है 1 मोल है, तो इसको एज इट इज पुट करेंगे, इसको कुछ चेंज नहीं करना, ना मल्टीप्लाई करना ना रिवर्स करना, क्योंकि यहां भी 1 मोल है, यहां भी 1 मोल है, यहां भी लेफ्ट साइड है, जो रिएक्शन चाहिए उसमें भी लेफ्ट साइड है, तो एज इट इज पुट कर दो, सी प्लस O2 टू गिव CO2 एज इट इज रख देंगे, तो -40 हो गया। आई बात समझ में, इसमें जरा देखो हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, यहां पर है, यहां पर कितना मोल है 1 मोल है, और यहां पर कितना मोल है 2 मोल है, पर यहां पर 1 मोल है और यहां पर कितना मोल है 2 मोल, और यहां पर लेफ्ट साइड है, यहां पर भी लेफ्ट साइड है, तो डेफिनेटली इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2H2 प्लस 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा केवल O2 और यहाँ क्या होगा 2H2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -20। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा देखो, राइट साइड CO2 लेफ्ट साइड CO2 2H2 कैंसिल आउट, O2 क्या हो जाएगा 2O2, और देखो 2O2 है यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या क्या बच गया C+2H2 और यहाँ क्या बचेगा CH4। तो जरा देखो यही रिएक्शन मुझे लानी थी, ये रिएक्शन आई थी, और आगे इन तीनों को ऐड करके, तो इन तीनों को ऐड कर दो, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -20 -40 -20 40 60 और 20, मतलब -80 किलो कैलोरीज, तो इसका आंसर आ जाएगा -80, जो इसकी यूनिट इन तीनों की यूनिट सेम ही थी, किलो कैलोरीज थी, तो इसकी यूनिट भी क्या जाएगी किलो कैलोरीज आ जाएगी, तो -80 किलो कैलोरी आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। 25 क्या बोलते हैं? क्वेश्चन 25 बोले थे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2 एंड ग्लूकोज आर। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। तो CO2 का फॉर्मेशन है तो इस तरफ आएगा, क्या होगा C+O2 आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। क्या दे रखी है इसकी? -400। इसके आगे लिख देते हैं -400, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल में। सेकेंड है H2O का, तो H2O का भी एक मोल क्या होगा H2+ ½O2, कितनी दे रखी है वैल्यू -300। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, रिएक्शन लिखो दोगे तो काम बहुत ईजिली बनेगा। और लास्ट है आपको ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है आपका पता है? C6H12O6। ग्लूकोज की भी आपको फॉर्मेशन दे रखी है, इस किससे बनेगा? खुद के कंपोनेंट कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, कितना कार्बन है? 6, 12 है तो ये 6 हो जाएगा, 6 और ये क्या हो जाएगा 3, और इसकी वैल्यू देखिए आपको कितनी -1300। ठीक है, तीन वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको बतानी है एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ग्लूकोज। ओके, यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट है, क्या है बताऊंगा अभी। एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसकी बतानी है? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की पहले लिखो C6H12O6 की कंबशन की लिखेंगे क्या होगा O2 प्लस, पता है तुम्हें क्या बनने वाला है? CO2+H2O, 6 कार्बन तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 12 हाइड्रोजन तो उसका आधा रेडी 6H2O, ये बैलेंस ये बैलेंस ये बैलेंस ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 6+12 18, तो यहाँ 6 है तो ये क्या हो जाएगा 6O2 हो जाएगा, 6O2 ताकि 6 और 12 + 6 18 हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया और ये रिएक्शन तुम्हें निकालनी है, तो इसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया। इसका कंबशन दैट इज डेल्टा HC तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन तीन की हेल्प से करते हैं। तो देखो सबसे पहले C6H12O6 किस रिएक्शन में? इसमें राइट साइड है, तुम्हें चाहिए किस तरफ? लेफ्ट साइड। तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स रिवर्स कर दो, क्या आएगा? C6H12O6 गिव C6C+6H2+3O2, रिवर्स कर दोगे तो -1300 क्या हो जाएगा? +1300 हो गया। ठीक है, -1300 क्या हो गया आपका? +1300 हो गया। नेक्स्ट देखो O2, तो O2 कहाँ दिख रहा है तुम्हें? यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो देखो O2 इस बार दो जगह दिख रहा है, कन्फ्यूज हो गए छोड़ दो। ठीक है, फिर से जहां कंफ्यूजन हो रहा है उसको छोड़ो। देखो अब तुम अगला O2 चेक करोगे तो ये तो हो गई ऑलरेडी रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन में O2 यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, कौन सी रिएक्शन ले सर? कंफ्यूज हो गए, छोड़ो, छोड़ दिया, आगे बढ़े। कार्बन डाइऑक्साइड देखो किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, राइट साइड दिख रहा है, और मुझे चाहिए जिस रिएक्शन में उसमें भी राइट साइड है, तो एज इट इज रखेंगे। पर यहां एक मोल है और जो चाहिए उसमें कितना मोल है? 6 मोल। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोल है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6C6O2 गिव 6CO2। 6 से मल्टीप्लाई इसको भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा, मतलब 64 हो जाएगा। और लास्ट है आपके पास कहां चलेगा? ये हो गया, अब बच गया आपका H2O। तो H2O इस रिएक्शन में दिख रहा है, राइट साइड है, यहां भी राइट साइड है, पर यहां 6 मोल है और इसमें कितना मोल है? 1 मोल। तो इस रिएक्शन को भी क्या करना पड़ेगा आपको? यहां से ले जाता हूं, इस रिएक्शन को भी क्या करना पड़ेगा आपको? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा? 6H2, ये क्या होगा? 6/2, मतलब क्या हो जाएगा? 3O2 हो जाएगा भाई, ये 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6/2 होगा तो 2 3 जो हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा? 6H2O। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो देखो, तो चेक करो, तो आपका 6CO2 ये है, आपको ये बतानी है। तो देखो 6 कार्बन लेफ्ट साइड है, 6 कार्बन राइट साइड हो गया, 6 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, 6 हाइड्रोजन राइट साइड, 3O2 लेफ्ट साइड, 3O2 राइट साइड, कट गया। क्या क्या बच गया वो लिख देते हैं। तो C6H12O6+6O2, इधर क्या बच गया? 6CO2+6H2O, ये बच गया। तो ये हमारी मेन रिएक्शन बच गई, और देखो यहाँ भी ये रिएक्शन है, तो देखो दोनों सेम है ना, तो ये हमारी फाइनल रिएक्शन है। तो इसके लिए क्या करें, तीनों को मैंने ऐड कर दिया, तो तीनों ऐड कर, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? 1300 -2400 -1800 यह आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कितना? 7, 12 और 18 कितना आएगा? 2900 आ जाएगा, है ना, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 1, ठीक है, तो आ जाएगा -2900। तो -2900, तो देखो जैसे ही आंसर आएगा आप लोग को दिख रहा है -2900, आप इसको टिक कर दोगे,
ठीक है, और क्वेश्चन यही गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू आती है ये आती पर मोल वैल्यू आती है, आती किलो जूल पर मोल आती है, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर अभी तक जो भी करे अभी तक पर मोल ही निकालना था हमने, पर इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा है क्या निकालना है, पर ग्राम निकालना है। क्या निकालना है आपने? पर ग्राम निकालना है। आई बात समझ में? पर ग्राम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो। तो मॉलिकुलर वेट कितना होता है किसका? ग्लूकोज का निकालना है, तो ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट होता है कितना? 180 ग्लूकोज का निकाल सकते हो। कार्बन का 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6, तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो इसको 180 से डिवाइड करोगे, जीरो कट जाएगा और यह आ जाएगा आपका 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन गिवन ही है, आपका आ जाएगा 16.11 किलो जूल और यह आएगा पर ग्राम, ठीक है। तो 16.11 किलो जूल पर ग्राम, और ये माइनस में है तो ये भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -16.11 किलो जूल पर ग्राम, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई? तो मतलब ऐसा नहीं कि -2900 निकालते साथ आंसर टिक कर दिया, गलत हो जाएगा। आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई बोला है पर ग्राम, तो पर ग्राम बोला है तो मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो, क्योंकि जो आंसर निकलता है पर मोल में निकलता है, ठीक है। तो 180 से डिवाइड कर दिया तो -16.11 किलो जूल पर ग्राम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। तो एकदम आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, रिएक्शन जैसे ही लिखोगे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करो। अब हमारे हो गए 5 क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की। तो ये आ गए आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। अच्छा, बात करने से पहले एक छोटी चीज बता देता हूँ, एक लॉ है हमारे पास, हैश लॉ, ठीक है। ऑल्दो इसका यूज हम कर चुके हैं ऑलरेडी अपने क्वेश्चन के अंदर, याद करो जो भी रिएक्शन के अंदर हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं डेल्टा एच को, तीन रिएक्शन हमारी आती थी, तीनों का डेल्टा एच ऐड करते हैं, ठीक है। वो कहाँ से ऐड करते हैं? वो इसी लॉ के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है सपोज आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, तो यार तुम अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने में अगर एंथैल्पी में चेंज डेल्टा एच का हो रहा है, ठीक है, तो तुम या तो सिंगल स्टेप से जाओ या फिर मल्टीपल स्टेप चूज करो। सपोज ए से एक्स में गए, एक्स से वाई गए और वाई से फिर बी गए, ठीक है। तो इस स्टेप में सपोज डेल्टा एच वन है, यहाँ से यहाँ जाने में चेंज एच टू है, और यहाँ से यहाँ जाने में एंथैल्पी में चेंज क्या है? डेल्टा एच थ्री आ रहा है। तो चाहे तुम एक ही स्टेप में जाओ चाहे मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करो, जो एंथैल्पी में चेंज आएगा वो क्या आएगा? सेम, मतलब डेल्टा एच इसके इक्वल होगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। यही कहना था किसका? हैश का। और इस लॉ को बोलते हैं हैश लॉ, ठीक है, जिसका यूज हम कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एंथैल्पी को, वो इसी लॉस के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन 6 मोल ऑफ ऑक्टेन इज बर्न इन एयर। ओके, तो ध्यान रखो 6 मोल ऑक्टेन बर्न होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है खास। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, बर्न इन एयर मतलब कंबशन रिएक्शन होगी, ऑक्टेन की कंबशन रिएक्शन जो लिखेंगे कितने मोल के लिए लिखते हैं? 1 मोल के लिए। और जो हम कैलकुलेट करते हैं वो भी कितने मोल के लिए करते हैं? 1 मोल के लिए। पर क्वेश्चन के अंदर कितना मोल के लिए बोले? 6 मोल के लिए। कोई बात नहीं, लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बात समझ में? ट्राई कर सकते हो आप लोग। रिएक्शन लिखते हैं कंबशन की ऑक्टेन की, क्या होगी? C8H18 प्लस O2 गिव्स कितना? CO2 प्लस H2O मिलता है, याद करो 8 CO2 मिलेगा और 18 है तो कितना मिलेगा? 9। देखो ट्रिक्स यहाँ कितना काम आएगी, वरना तुम बैलेंसिंग में बहुत टाइम जाएगा, तो ट्रिक जो मैंने बताई वो कितना इजीली यहाँ यूज होगी और काम आसान होगा, ठीक है, इसलिए ट्रिक्स का ध्यान रखना है। और ये बैलेंस केवल ऑप्शन बचता है, तो 9 और 9 ऑप्शन यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना है? 16 है, और यहाँ पर कितना है? 9 है। देखो 8 × 16 और 9, तो कितना हो गया? 9, 6, 15, 25 हो गया। 25 के लिए यहाँ कितना करना पड़ेगा? 25/2 करना पड़ेगा, 25/2 हो गया, ठीक है, तो 25/2। तो ये मेरी रिएक्शन होगी जो मुझे लेके आनी है, ये फाइनल रिएक्शन है जो मुझे लेके आनी है, तो मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है। और ध्यान रहे कितने की आएगी? 1 मोल की आएगी, और क्वेश्चन में कितने मोल के बोली गई है? 6 मोल, इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल जो रिएक्शन में क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो, तो डेल्टा एच एफ और CO2 गिवन है, तो C+O2 कितना गिवन है आपको? इसकी वैल्यू -490। H2O का फॉर्मेशन गिवन है, H2O का फॉर्मेशन कैसे होता है? H2+ ½ O2 से, कितना गिवन है इसका? -240, ठीक है। रिएक्शन लिखना भी मैंने सिखाया था आप लोग को। और C8H18 कैसे बनेगा? ये बनेगा आपका कार्बन प्लस H2 से, कितना कार्बन होगा? 8 कार्बन होगा। हाइड्रोजन कितना होगा? 4 हाइड्रोजन होगा। इसकी वैल्यू देखिए आपको +160, ठीक है। तो इन तीन का यूज करके रिएक्शन लानी है। तो देखो सबसे पहले ये C8H8
लेफ्ट साइड है इन तीन में, किसमें है इसमें है, पर राइट साइड है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कर दिया कितना है, सी एट एच एट गिव्स एट सी प्लस फोर एच टू, रिवर्स कर दिया तो प्लस 160 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 160 आ जाएगा, हो गया। नेक्स्ट O2 है तो O2 यहाँ दिख रहा है या दिख रहा है, कंफ्यूज हो गया, मैंने बताया था छोड़ दो तो छोड़ दिया। आगे बढ़े तो देखो CO2, CO2 इस वाली रिएक्शन में राइट साइड है, यहाँ भी राइट साइड है, पर यहाँ पर एक मोल और यहाँ जो हमें चाहिए उसमें कितना मोल है, एट मोल है, तो इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय एट करना पड़ेगा। तो एट से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, एट सी प्लस एट ओ टू टू गिव एट सी ओ टू, तो एट से मल्टीप्लाई करोगे तो 490 को भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 490 को एट से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 490 को एट से मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 3920, तो इसको सॉल्व करेंगे 3920 आ जाएगा। और थर्ड देखो H2O राइट साइड है, यहाँ पर भी H2O राइट साइड है, यहाँ एक मोल है पर यहाँ कितना मोल है, 9 मोल, तो इसको आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो ठीक है, कैलकुलेशन करना आता होगा आप लोगों को सभी को। तो कितना आ जाएगा 9H2 प्लस ये कितना हो जाएगा 9/2O2 और इधर कितना हो जाएगा 9H2, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो -240 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 2160 आएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ अभी, पर आप लोग कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको समझना है कॉन्सेप्ट तो समझो और कर अपने आप करो, है ना, मैं तो कर सकता हूँ कैलकुलेटर से, आप लोग को नहीं करना है कैलकुलेटर का यूज, ठीक है। तो चलो अब देखो क्या है, तो 8CO2 यहाँ आ गया, तो देखो टोटल देखो आप क्या क्या कट सकता है क्या क्या नहीं कट सकता, हमें ये वाली रिएक्शन लेके आनी थी। तो देखो H2 है यहाँ पर 9H2 और कुछ बचा है क्या, ये रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हो गई, ये वाली रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब कैंसिल आउट करो चीजों, तो दिख रहा है आपको 9/2O2 यहाँ दिख रहा है और 8O2 दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा 16 और 25/2O2 हो जाएगा, 8 कार्बन लेफ्ट साइड है 8 कार्बन राइट साइड है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैंसिल आउट नहीं हुआ, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 9H2 और यहाँ पर कितना है 4H2, तो हाइड्रोजन कैंसिल आउट होना चाहिए था, कुछ गलत कर दिया क्या, चलो देख लेते हैं एक बार, सॉरी ये C8H18 होगा ना भाई, ध्यान से ये C8 क्या होगा, H18 होगा, तो H18 होने के कारण यहाँ क्या आएगा, नहीं नहीं भाई गलती करती थी यहाँ, तो ये H2 क्या होगा, इसको H18 रिवर्स करें तो 4H की जगह होगा 9H2 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है C8H18 है, मैंने गलती से यहाँ 18 किया था, ओके। तो 9H2 से 9H2 कैंसिल हो जाएगा और क्या क्या बचा, तो C8H8 प्लस इन दोनों का ऐड करोगे कितना हो जाएगा 25/2O2 हो जाएगा, ये हो गया आपका 8CO2 प्लस 9H2। तो देखो जो रिएक्शन लानी थी आगे वो रिएक्शन, तो इसके लिए क्या करा मैंने, इन तीनों को ऐड करा, तो हैश लॉग करा देंगे, तो डेल्टा एच क्या आएगा मेरा, इन तीनों को ऐड कर, तो -160 -3920 -2160, तो इनको ऐड कर देता हूँ मैं, कितना आएगा मैं 2160 3920 एंड 160, तो सॉल्व करा मैंने 6240, तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया 6240 माइनस का आ गया। आगे बात चल में तो इतना मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर दिया, 6240 आ गया। अब ध्यान रखो ये कितने का आया है, देखो एक मोल का है, ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर आपसे कितने मोल का बोला गया, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया 6 मोल्स का, तो अगर एक मोल का 6240 है तो क्वेश्चन के अंदर कितने का बोला है, फॉर 6 मोल्स, 6 मोल का कितना होगा, तो 6 मोल का कितना होगा, -6240 इंटू 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 6 करेंगे कितना आएगा आपका 37740, तो इतना आ जाएगा आपका जूल्स में, -37740 जूल्स आ जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि एक मोल का है, एक मोल का निकलती है कंबशन, क्वेश्चन के अंदर 6 मोल का पूछा है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो 6 मोल का आ जाएगा। तो ऑप्शन देखो किलो जूल्स में यूनिट, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 37.74 किलो जूल आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस में रहेगा, यस दिख रहा है हमें, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, और यहाँ भी ध्यान रखना है C8H18 था, नॉट C8H8, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कैलकुलेटर यूज मत करना, मुझे क्वेश्चन बताने था आपको तो मैंने यूज कर लिया, ठीक है, आप लोग विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश करो, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई।
अब अगला क्वेश्चन है द लोएस्ट वैल्यू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो हमने बात कर ली एंथैल्पी ऑफ कंबशन की और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। इसी स्टेप में एक एंथैल्पी और होती है जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, एक एंथैल्पी और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या होती है पहले समझो, तो ये बोलती है जब एक इक्विवेलेंट एसिड न्यूट्रलाइज्ड वन इक्विवेलेंट बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट। ठीक है, जब एक इक्विवेलेंट एसिड और एक इक्विवेलेंट बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर मिलता है आपको पता है, तो उस टाइम में जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, बात समझ आ गई। हमेशा जब भी हम एसिड बेस की बात करेंगे हम मोल नहीं लेते, हम क्या लेते हैं इक्विवेलेंट लेते हैं। जो हम फॉर्मेशन और कंबशन बात करें तो उसमें मोल की बात करते हैं, पर न्यूट्रलाइजेशन के अंदर हम क्या बात करते हैं इक्विवेलेंट की बात करते हैं। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो मतलब सपोज HCl है और NaOH है, क्या देगा NaCl देगा और H2O देगा। तो देखो हम क्या बोलते हैं एक इक्विवेलेंट एसिड, एक मोल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक इक्विवेलेंट एसिड, एक दिख रहा है इसके आगे, तो मोल नहीं लेना इक्विवेलेंट लेना। तो देखो H प्लस है, इक्विवेलेंट निकालना मैंने तुम्हें सिखा रखा है पहले, यहाँ पर एक OH माइनस है तो क्या होगा एक इक्विवेलेंट। ठीक है, तो एक इक्विवेलेंट एसिड जब एक इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट करता है तब जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आई बात समझ में सबको? इसको ऐसा मत बोलना कि एक मोल एसिड एक मोल बेस के साथ, गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन और कंबशन हम मोल्स की टर्म में बोलते हैं, पर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसको हम हमेशा इक्विवेलेंट की टर्म्स में बोलते हैं, या फिर जहां पर भी एसिड बेस आ जाए वहां हम इक्विवेलेंट टर्म यूज करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, ये हमने आपको कौन से वाले चैप्टर में, आई थिंक आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में बात कर रखी है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। और भी हम बात करेंगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर भी बात करेंगे इस चीज की, सॉल्यूशन क्वालिटी प्रॉपर्टीज के अंदर भी थोड़ी सी बात करी है। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट की एक अलग सी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा इक्विवेलेंट वेट का। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पर ध्यान ये रखना है, ये देखो ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब भी एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड और एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तो एनर्जी में जो चेंज होता है वो फिक्स्ड होता है, दैट इज कितना चेंज होता है -13.7 किलो कैलोरीज। बस ये आपको ध्यान रखना है, कोई सा भी एसिड हो कोई सा भी बेस हो अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो हमेशा जो चेंज होगा एंथैल्पी में वो कितना होगा -13.7 किलो कैलोरीज होगा या फिर -57 किलो जूल्स होगा। ठीक है, दोनों सेम ही है, ये या फिर ये, चलो और लिख देते हैं किलो कैलोरीज में इतना और किलो जूल्स में इतना। ठीक है, तो ये सब बच्चों को ये वैल्यू याद रखनी है कि अगर एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एंथैल्पी में चेंज, और कौन सा स्ट्रॉन्ग, कोई सा भी एसिड बेस नहीं, कौन सा केवल स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, एंथैल्पी में चेंज इतना आएगा किलो कैलोरीज में या फिर किलो जूल्स में इतना आएगा। तो सोचो अगर दो इक्विवेलेंट करेगा तो कितना आएगा, तो इसको डबल कर देंगे सिंपल। तीन इक्विवेलेंट करेगा तो क्या कितना आएगा, इसको ट्रिपल करके अपना आंसर निकाल देंगे। इस टाइप के अलग अलग वेरिएशन करके क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, तो तैयार रहना। ठीक है, तो क्वेश्चन वगैरह इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि बताओ, मैं इसी में बोल दूं कि बताओ अगर ये रिएक्शन तीन इक्विवेलेंट एसिड तीन इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बताओ कितनी एनर्जी में चेंज आता है। तो एक इक्विवेलेंट का पता है तो तीन के लिए तीन से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर आंसर। जैसे मोल के लिए करते थे सेम टू सेम वैसे, बस वहां वैल्यू फिक्स नहीं रहती थी, यहाँ वैल्यू फिक्स है। एसिड चाहे HCl हो चाहे कोई सा भी एसिड हो, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, रिएक्शन अगर एक इक्विवेलेंट और एक इक्विवेलेंट की होगी वैल्यू इतनी ही आएगी। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में सबसे ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है और सबसे कम एनर्जी वहां लिबरेट होगी अगर वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सबसे कम एनर्जी यहाँ पर लिबरेट होगी। ठीक है, तो इससे कोई ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा बनता नहीं है, इससे डायरेक्टली इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन बनता है कि बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लिबरेट होगी, तो ऑप्शन जो दिए होंगे तो आपको चूज करना होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं चलो देखो द लोएस्ट वैल्यू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑब्टेन, तो लोएस्ट वैल्यू किसमें होगी तो बता दिया, लोएस्ट वैल्यू किसमें होती है जो वीक एसिड और वीक बेस होता है, तो वीक एसिड वीक बेस कौन सा है, तो दिख रहा है आपको एसिडिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 है, ये आपका वीक एसिड वीक बेस है, तो इस केस में सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा किसमें होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, कितनी होती है इतनी, बस यही इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। आप लोग अपने MCQ की बुक होगी आपके पास उसमें ट्राई करके देखना इस टाइप के क्वेश्चंस को, एकदम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे केवल इतनी वैल्यू याद रख के। ठीक है, ओके,
तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, तो अब बात हो गई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, तो यहाँ पर एक लास्ट एंथैल्पी इस चैप्टर की मैं आपको बता देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। एक लास्ट एंथैल्पी इस चैप्टर की हमें जो पढ़नी है, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। क्या होती है बॉन्ड एंथैल्पी? जब एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तब जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन पार्ट ध्यान रखो, निकालते कैसे? डेल्टा एच जो रिएक्शन होती है कैसे निकलती है? समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहता है आपका एंथैल्पी का। किसी भी एंथैल्पी की रिएक्शन अगर बॉन्ड एंथैल्पी की टर्म में निकालें तो कैसे निकालेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड समेशन ऑफ बॉन्ड इंडिविजुअल बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इसका यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 28 आपको बोल रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 एंड HClR दिस 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 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालना है तो किससे बनेगा? H2NCl2 से बनेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये तो एक मोल ही रहना चाहिए, इसको चेंज करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, आपको H2 की बॉन्ड एंथैल्पी देगी कितनी? तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर HH बॉन्ड है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा? ClCl बॉन्ड होगा, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा? HCl बॉन्ड होगा। और HH की बॉन्ड एंथैल्पी देखिए आपको, H2 की बॉन्ड एंथैल्पी देगी कितनी? 434, Cl की देखिए आपको 242 एंड HCl की देखिए आपको 431। आपको बोला जा रहा है इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में क्या है जरा देखो, 434 H2 की है, पर H2 कितना है? 1/2 है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 434 आइवाजन में, रिएक्टेंट में दोनों है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। पर साथ ही साथ ये देखो इसका कितना है, एक हाफ मोल भी, तो एक मोल होता तब तो इतनी होती, पर हाफ है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस Cl का कितना है? 242, पर कितना है Cl है? 1/2, तो इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। रिएक्टेंट की एंथैल्पी होगी, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कितनी है? केवल 431 है, और यहाँ पर देखो एक मोल, ये एक ही बॉन्ड है Cl का, तो एक ही है, तो केवल हमने 431 लिख दिया। ठीक है, सॉल्व करा कितना है यार, 217, तो 217 प्लस 121, तो इतना माइनस 431, सॉल्व कर दिया इसको, 7 8 3 338 माइनस 431 81 समझ लो 11 हो गया, और यहाँ बचेगा कितना आपका 2, तो आ जाएगा 93, और माइनस का तो माइनस 93 आ जाएगा, तो माइनस 93 दिख रहा है आपको, माइनस 93 किलो जूल्स पर मोल, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना है, जो बॉन्ड एंथैल्पीज होती है ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो देखो तीनों की तीनों पॉजिटिव है, रिएक्शन एंथैल्पी नेगेटिव हो सकती है पर बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, इस चीज का भी ध्यान रखना। अगर ये बाय द वे बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है और तुम्हारा नेगेटिव आ गया तो मतलब समझो कि गलत आंसर। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन बोल रहे थे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज, NH3 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, NH3 कैसे बने, NH3 कैसे बनेगा पता आप लोगों को? N2 प्लस H2 से बनेगा, है ना। अब 2 NH3 मत कर देना क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में ये कितना क्या होना चाहिए? एक मोल होना चाहिए, यस पता है आप लोगों को। तो ये कितना जाएगा? 3/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखिए आपको कितनी, -40 किलो जूल्स पर मोल। इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 फ्रॉम इट्स एटम, H2 भी देखिए उसके एटम से, एटम मतलब H प्लस H से, समझ लो एटम मतलब इससे देखिए आपको कितनी, -436 एंड डेट ऑफ N2 इज, N2 भी देखिए उसके एटम से, दैट इज N प्लस N से कितनी, -712।
यूज करूंगा, द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एनएच बॉन्ड, तो आपको एनएच बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बतानी है। क्लियर इतनी बात? तो देखो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है H2 की और N2 की, ठीक है, दिस एंड दिस। तो जरा बताओ H और H की या फिर N और N की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? तो एटम से बन रही है तो बॉन्ड एंथैल्पी की, अगर सपोज मैं उसको उल्टा कर दूं तो NN उस तरफ आ जाएगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? डेफिनेटली पॉजिटिव में होगी। तो देखिए पहले मैंने यही बोला था कि हमें क्या देखनी होती है, बॉन्ड एंथैल्पी देखनी होती है, ठीक है। तो जब रिएक्शन पे फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच आपको गिवन है, तो समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, ये हमने फॉर्मूला लगाया। डेल्टा एच की वैल्यू गिवन आपको कितनी, माइनस 40। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट देखो क्या है, N2, तो N2 की एनर्जी कितनी है, तो माइनस 712 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था बॉन्ड एंथैल्पीज क्या होती है, प्लस होती है, और दिस इज नॉट द बॉन्ड एंथैल्पी, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ध्यान से सुनना, बॉन्ड एंथैल्पी कैसे आएगी, इसको रिवर्स कर दोगे, भाई रिवर्स करोगे तो एन एन क्या है, एटम्स है, एटम्स को जो टूट रहा है तब तो जाके मिल रहा है, तो रिवर्स कर दोगे तो क्या आएगा, ये 712 हो जाएगा, समझ रहे हो, डायरेक्टली 712 लिख दो, वरना रिवर्स करोगे तभी भी 712 आएगा, तो जैसा मन कर रहा है वैसा लिखो। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2 कितनी होगी, 712 हो गई पॉजिटिव में, और कितने हैं, आधे हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ H2 कितनी होगी, उल्टा करना पड़ेगा, तो कितनी आएगी, 436, क्योंकि हम जानते हैं बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये नेगेटिव जो तुम्हें दिख रही है, दिस इज नॉट अ बॉन्ड एंथैल्पी, फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, उल्टी, भाई ये वाली एंथैल्पी तो बॉन्ड एंथैल्पी होगी, तो इसको इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को रिवर्स करनी पड़ेगी, और रिवर्स में ये क्या आएगा, प्लस में आएगा, समझे बात, ठीक है। कितना है, 3/2, ये हो गया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में देखो एनएच की बॉन्ड एंथैल्पी को मैं निकालनी है, तो एनएच की बॉन्ड एंथैल्पी सपोज एक्स ले लेते हैं, एनएच की बॉन्ड एंथैल्पी को क्या ले लिया मैंने, एक्स ले लिया, एनएच की बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी थी, क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो जरा बताओ ऐसे एनएच कितने बॉन्ड है यहाँ पर, तीन बॉन्ड है, भाई तीन है ना, तो क्या आएगा, 3x आएगा, NH का एक NH बॉन्ड को मैंने X मान लिया, वैसे भाई अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे ही होते हैं, NH3, तो ये X होगा, ये X होगा, ये X होगा, तो टोटल मैंने क्या ले लिया, प्रोडक्ट में 3X होगा, हमें X की वैल्यू निकालनी है, NH बॉन्ड की निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्व करा, कितना है इसको सॉल्व करते हैं, 2, 3, 6, 6, 10, 5, 356 आ गया, और इधर कितना आ गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2, 1 और 6 या 12, ठीक है, सॉरी 2, 2 जो 4, 2, 1 जो 2 और सॉरी 8, 2, 1, 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 4, 2, 3, 3, 4, 5, 3 + 6, 6, 54, इतना हो गया, और यहाँ क्या बच गया, -3x बच गया, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं, -40 = ऐड करेंगे, 6, 4, 10, 1, 5 और 10, 11, 1, तो 1010 आ गया, -3x आ गया, ठीक है, हमें ये निकालना है, तो 3x को इस साइड ले लेते हैं, 3x इधर आ गया, ये उस साइड आ गया, तो 1010 + 40, तो कितना आएगा, 3x = 1050 आ गया, ठीक है। यहाँ से x कितना आ जाएगा, जरा बताओ, 1050 / 3 आ जाएगा, 1050 / 3 आ गया, समझ लो, तो 3 से सॉल्व करा, 3 3 9, 3 5 15 और 0, तो 350 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो 350 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आंसर दिख रहा है मुझे, 352, ठीक है, 352 दिख रहा है मेरा, 350 आया, तो देख लो थोड़ा हल्का फुल्का कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, पर ध्यान रखो करना कैसे है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर लेता हूँ, कैलकुलेटर का यूज करके, कहाँ गलती हुई है, 712 ये हो गया आपका, 356 और ये हो गया आपका (×436)/2, 654, ठीक है, 654 + 356, 1010, ठीक आ रही है कैलकुलेशन, तो ये आ रही है मेरी भी कैलकुलेटर में भी, यही आ रही है 1050 / 3, 350, ठीक है, तो 350 ही आया आंसर, तो हो सकता है उन्होंने गलत दिया ऑप्शन, ठीक है, आंसर आया कैलकुलेटर से चेक करा तो इतना ही आ रहा है, ठीक है, तो 350 हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। चलो अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो भी समझ लो जरा।
ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी इसके क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को, सिंपल। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 30, लास्ट क्वेश्चन है आपका। इफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ एक्स वाई, डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब एक्स वाई टूट रहा है किसमें, एक्स और वाई, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, या जिसको हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, सेम ही चीज है। एक्स टू, एक्स टू किसमें टूटेगा, तो एक्स प्लस एक्स में टूटेगा, एंड वाई टू किसमें टूटेगा, वाई प्लस वाई में। यही बोली थी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, जब एक मोल बॉन्ड टूटता है एटम्स में तब जो चेंज होता है उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। आर इन द रेशियो 1:1:0.5, तो रेशियोज है तो हम एक्स मान लेते हैं, तो सपोज ये 1 है तो ये 1x हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.5x हो जाएगा, इनके एंथैल्पीज क्लियर है। ओके, डेल्टा एस एफ फॉर फॉर्मेशन इज इतना, तो एक्स वाई निकालेंगे, एक्स वाई तो देखो आपको एक्स टू वाई टू दे रखें, तो ये एक्स टू होगा और ये वाई टू फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, समझो ना। एक्स वाई तो निकल रहा है, ऐसा नहीं कि एक्स प्लस वाई कर दोगे, क्योंकि आपको इस फॉर्म में एटम जी वन है, एक्स टू और वाई टू मतलब जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक्स टू और वाई टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसे फॉर्मेशन है, तो ये एक मोल रहेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 और 1/2 करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है -200 किलो जूल पर मोल, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है। आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ एक्स टू, आपको ये बतानी है, मतलब आपको ये वैल्यू बतानी है, एक्स बताना है, क्लियर। ओके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये जरा देखो ध्यान से। तो सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला है हमारे पास। डेल्टा रिएक्शन दे रखा है -200, रिएक्टेंट में क्या है एक्स टू, एक्स टू की कितनी है, एक्स टू की देखेंगे एक्स, एक्स टू की कितनी है एक्स, पर यहाँ कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा एक्स बाय टू बोल सकते हैं इसको, प्लस रिएक्टेंट में ये भी है वाई टू, वाई टू का कितना दे रखा है 0.5x, तो 0.5x एक मोल का, पर यहाँ पर कितना है 1/2 है, तो डिवाइड बाय क्या करोगे 2 करोगे, ठीक है, और प्रोडक्ट में कितना है एक्स वाई, तो एक्स वाई का कितना दे रखा है एक्स दे रखा है, और यहाँ पर कितना मोल है एक ही मोल है, तो केवल एक्स ही करेंगे, आई बात समझ में। तो इस तरीके से निकल गया हमारे, इसको सॉल्व करते हैं, तो -200 इज इक्वल टू, चलो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले सकते हैं हम सभी का, तो 2 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, एक्स प्लस 0.5x मतलब 1.5x और -2x दैट इज -0.5x, कितना आ जाएगा, इतनी बात समझ आ गई। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 400 इज इक्वल टू 0.5x, 2 यहाँ से ले लिया, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 400 डिवाइड बाई 0.5, तो कट गया, तो 5800, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 800, ठीक है, 800 किलो जूल्स, तो 800 किलो जूल्स, क्योंकि ये सारी किस्में गिवन है आपको, किलो जूल्स में गिवन है, तो ये भी किस में आएगा, किलो जूल्स में आएगा। तो यही आपको निकालना था, कि आपको बतानी है बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ एक्स टू, तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी एक्स टू की क्या है, एक्स है, और एक्स कितना आ गया हमारे पास 800 किलो जूल आ गया, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, तो आप लोगों ने बस एंथैल्पीज का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, और रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, रिएक्शन लिखनी आएगी तो क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, तो हमने काफी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, थैंक यू।